हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एजुटेकर चैनल में। और आज से आप लोगों को एक नई सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है इस चैनल के थ्रू, जो कि आप लोगों को गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में तैयारी के लिए हेल्पफुल रहेगा। जो कि अगर आप एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हेल्पफुल रहेगा, अगर नहीं तो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं और उसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं उसके लिए ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों के लिए कवर करूँगा द हिंदू का डेली वोकैब, और डेली मैं आप लोगों के लिए 10 वोकैब प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप तकरीबन ये हर महीने 300 वोकैब कर लें। और उससे इसका मतलब कि 4 से 5 महीने के अंदर जो कि एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप कंपीट कर सको, और जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ वो कवर कर सको। ठीक है, आज का जो है वो आपका 22 फेब का है, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि इंक्लूड किए गए हैं और लाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिलहाल के लिए अगर आपको पसंद आया वीडियो तो किसी ग्रुप में शेयर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला जो वर्ड है। पहला वर्ड है आपका सॉम्ब्रेले। ओके, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जाऊंगा एक वर्ड से रिलेटेड। पहला आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे पता चलता है कि हम लोग कौन से वर्ड को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है आपका मीनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा सिनोनिम, चौथा एंटोनिम और पांचवा एग्जाम्पल। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी एक वर्ड से रिलेटेड, जिससे कि आप सिर्फ एक वर्ड ही नहीं या 10 वर्ड ही नहीं यूज़ कर पाओगे, उससे आप रिलेटेड 40 से 50 वर्ड दिन भर में पूरे कंप्लीट कर लोगे अगर ये वीडियो देखोगे तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला जो वर्ड है आपका, जैसा कि मैंने बताया है, सॉम्ब्रेले। सॉम्ब्रेले इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपका एडवर्ब है, और इसका मीनिंग होता है हिंदी में गंभीरता से, मतलब कि सीरियसली, एक सीरियस वे में अगर आप किसी से बात करते हैं तो उसको उस एडवर्ब का डेफिनेशन क्या होता है, ये कि जो भी वर्ब है, बेसिक जो डेफिनेशन है, जो भी वर्ब है उसको क्वालिफाई करता है। तो अगर सीरियसनेस को क्वालिफाई कर रहा है तो यहाँ पे सॉम्ब्रेले ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपका अर्नेस्टली, क्वाइटली, स्टैडली और सेडेटली, ये सारे आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स हो जाएंगे एब्यूलिटेंटली, कॉमिकली, गुफी और चेयरफुली। तो एंटोनिम्स क्या क्या आ जाएगा अगर इसका मीनिंग देखे तो, गंभीरता से नहीं, खुशी पूर्वक या हंस कर। ठीक है, तो ये आपका एंटोनिम्स आ जाएगा। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मैंने दिया है एज जॉन नोडेड सोबरली एट कैथी। ठीक है, जैसा कि जॉन क्या करता है कैथी के को सर हिला के, हाँ, नॉडेड मतलब क्या होता है, सर हिला के हाँ स्वीकार करना। ठीक है, स्वीकार स्वीकार करना, सर हिला कर, उसे नॉडेड कहते हैं। तो गंभीरता से वो नॉडेड नॉट करता है, अपना सर हिलाता है, और क्या करता है, प्रिपेयरिंग टू लीव, अब वो वहाँ पर से जाने के लिए रहता है। लेकिन क्या होता है, आई स्लम्प्ड बैक इंटू द सोफा। तो जो स्पीकर है वो क्या कह रहा है कि जॉन गंभीरता से कैथी के ऊपर सर हिलाता है हाँ करके और जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन जो स्पीकर है वो क्या करता है, सोफा पर बैठ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका बीफ। ठीक है, अभी तक आप लोगों को बीफ का मतलब पता होगा कि मीट ऑफ अ काउ। ठीक है, लेकिन बीफ का एक और मीनिंग होता है, जिसका मतलब होता है उल्लाहना करना। ठीक है, उल्लाहना करना हिंदी में आप लोगों को सबको मालूम होगा, किसी के विपक्ष में ना बोलकर, किसी के पक्ष में ना बोलकर उसके बारे में कंप्लेन करना, उनके लिए स्वीकार नहीं करना उनके बातों को। ठीक है, तो ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन आ जाएगा, और इसका मीनिंग होगा हो जाएगा अ क्लेम, अ कंप्लेंट और ग्रेवेंस। ठीक है, ये आपके सिनोनिम्स हो गए। अब आते हैं सिनोनिम्स पे, कंप्लेंट, फर्ज, ग्रेवेंस और ग्रीप। तो ये आपके सिनोनिम्स हो गए, और एंटोनिम्स हो गए कंडेम, कमेंडेशन, प्लाउडिट, अक्लेम और अप्लॉज। ठीक है, अप्लॉज मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, तो ये एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल में मैंने दिया है माय बीफ इज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो मेरा बीफ है मतलब मेरे बारे में जो कंप्लेंट आती है वो क्या है, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि कम्युनिकेशन की कमी के कारण यहाँ पे क्या बोला गया है कि उल्लाहना या उनका कंप्लेंट आता है। अब देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे माई अगर मनमोहन सिंह बोल रहे हैं ये सेंटेंस, तो काफ़ी जाहिर सी बात है वो बहुत कम बोलते हैं, तो यहाँ पे ये सेंटेंस उनके लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, या उस तरह के लोगों के लिए जो कि बहुत कम यू बोलता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है स्लिथ। ये नाउन है और इसका मीनिंग होता है धूर्तता। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, अ क्लेवर ऑफ एन अंडर हैंडेड मीन्स टू अचीव एन एंड।
मतलब कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा हद तक चले जाते हैं किसी भी हद तक, तो उसे क्या कहते हैं, स्लेट कहते हैं, ठीक है। इसको सिनोनिम्स हो जाएंगे गिमिक, प्लॉय, स्ट्रैटेजिम, ठीक है। अब देखिए, स्ट्रैटेजी जो बनाता है उसे स्ट्रेटजर कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रैटेजम वर्ड यूज हुआ है, विले। तो ये आपके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स आपके हो जाएंगे डोल्टिशनेस, डलनेस, फोर्ट्यूटी और ऑब्ट्यूजनेस, ठीक है। ये आपके सिनोनिम्स हो गए। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो आई मस्ट हैव एम्प्लॉयड सम सोफिस्टिकेटेड स्लेट टू कोय दैट वेरी कपल आउट ऑफ देयर मनी, ठीक है। तो यहाँ पे उसके धूर्तता के कारण क्या हुआ, जो कपल है उन्हें काफ़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से एम्प्लॉय किया गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका एली। एली आपको काफ़ी बार सुनने को ये वर्ड मिलता होगा, और इसका मतलब होता है मित्र, ठीक है। और इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है, और इसका एली का मीनिंग होता है समवन हु हेल्प्स और सपोर्ट समवन एल्स। सिंपली अब मित्र का मतलब जानते हैं कि अगर कोई किसी का हेल्प करता है तो उसे मित्र कहते हैं, एले कहते हैं, ठीक है। इसके सेनोनिम्स हो जाएंगे एबेटर, फेलो, सपोर्टर और सिंपैथी जो दिखाता है, ठीक है, सिंपैथाइजर। तो यहाँ पे एक फ्रेंड भी एक यहाँ पे सेनोनिम आ जाएगा जो कि कॉमन सा है। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स आपके क्या हो जाएंगे, तो डिट्रैक्टर, एडवर्सरी, फॉय। फॉय मतलब दुश्मन होता है, ठीक है। अपोन, अपोन मतलब अपोनेंट जो होता है उसका नाउन फॉर्म अपोन भी होता है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, तो ही इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर्स क्लोजेस्ट पॉलिटिकल एली। जो पर्सन है जिसके बारे में बोला जा रहा है वो क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर का क्लोजेस्ट पॉलिटिकल एली है। पॉलिटिकल एली मतलब कि राजनीतिक मित्र है, एकदम नज़दीकी राजनीतिक मित्र जिसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि मेरे चाचा विधायक हैं, तो उस सेंस में आप ये ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका रेसिसिटेट। रिससिटेट मतलब होता है पुनर्जीवित करना किसी को, ये वर्ब है। और इसका मीनिंग अगर देखें इंग्लिश में तो क्या हो जाएगा, मेक समथिंग एक्टिव और वेगोरस अगेन, ठीक है। मतलब जो ऐसी चीज़ जो कि अब मरने अवस्था में आ गई हो और उसे पुनर्जीवित किया जा रहा हो, तो उसे इंग्लिश में हम लोग रिससिटेट कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएंगे रिवाइव, रिस्टोर, रिजनरेट, रिवाइटलाइज। एंटोनिम्स हो जाएंगे आपके इसके रिप्रेस, फैंट, सप्रेस और वीकेंड, ठीक है। मतलब कमजोर होना, बेहोश होना, ये सारे क्या है इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब देखते हैं यूजर्स पे, एग्जांपल पे। तो हर पर्सनल नर्स फोन 911 फॉर असिस्टेंस एंड हर बॉडी गार्ड ट्राई टू रिससिटेट हर। जो उसकी पर्सनल नर्स थी वो क्या करती है, 911 पे असिस्टेंस के लिए फ़ोन करती है, और उसका जो बॉडी गार्ड है वो उसे फिर से जिंदा करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए कोशिश करता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सॉर्डिड। सॉर्डिड क्या है, तो सॉर्डिड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग होता है मैला, मतलब गंदा, ठीक है, डर्टी और स्क्वालिड। और इसके सेनोनिम्स हो जाएंगे फिल्दी, मडी, ग्रबी और शैबी, ठीक है। अब शैबी जो वर्ड है, अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा होगा, तो क्लास 10th में टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में यूज़ हुआ है निकोला और जोकोपो के लिए शैबी वर्ड, ठीक है। देयर मैन्यूवर मतलब यहाँ वहाँ पर जो उनका मैन्यूवर था, जो दिखा फिजिकल अपेयरेंस था वो किस तरह का था, तो शैबी था, ठीक है। अब देखते हैं एंटोनिम्स। तो इमेक्यूलेट, स्पॉटलेस, स्टेनलेस और अनसुलेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके एंटोनिम्स हो गए। मैला का क्या हो जाएगा, साफ सुथरा, स्पॉटलेस या इमेक्यूलेट मतलब कि जहाँ पे थोड़ी भी गंदगी नहीं हो, जहाँ पे थोड़ा सा भी मैला ना हो। अब एग्जांपल में देखते हैं, ही मैनेज टू राइज अबव द सॉर्डिड स्ट्रीट्स अपॉन विच ही ग्रू अप। देखिए वो क्या मैनेज करता है, तो जिस सड़क पे, ठीक है, जिस स्ट्रीट पे वो बड़ा हुआ है, उसके वो उस गंदे स्ट्रीट को क्या करना चाहता है, वो आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। ही मैनेज टू राइज अबव, जो गंदगी, जो गंदे या मैले स्ट्रीट में जहाँ बड़ा हुआ है वहाँ से आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका पगान। पगान क्या है, तो बुत प्रस्त। पहले जान लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, पैगन का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, और इसका मीनिंग होता है हिंदी में बुत प्रस्त, मतलब कि किसी भी रिलीजन को ना मानने वाला, ठीक है। मीनिंग एन इंडिविजुअल हु डज नॉट फॉलो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेन रिलीजन्स, ठीक है। वर्ल्ड वर्ल्ड का जो मेन रिलीजन
है जिसको बहुत लोग मानते हैं, उसे अगर ना माने वो खुद का माने तो उसे पैगन कहते हैं। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हिथेन, एग्नोस्टिक, हेरेटिक और अपोस्टेस। ठीक है, एक और वर्ड होता है जिसको हम लोग नास्तिक कह सकते हैं, इसके लिए एथिस्ट। ठीक है, एथिस्ट मतलब क्या होता है, जो कि किसी भी धर्म को ना मानता हो, नास्तिक कहते हैं उसे। ठीक है, अब आते हैं एंटोनिम्स पे। एंटोनिम्स मतलब इसका क्या हो जाएगा, तो रिलीजियस, डिवोइड, मोनोथेइस्टिक और बिलीवर। और इसके एग्जाम्पल में जो मैंने सेंटेंस दिया हुआ है, बिकॉज टॉड इज अ पैगन, जो टॉड है, जो पर्सन है टॉड, वो क्या है, पैगन है, मतलब कि बुत प्रस्त है। ठीक है, तो वो क्या करता है, ही रिफ्यूजेस टू प्रैक्टिस एनी ऑफ द मेजर रिलीजन्स। ठीक है, तो वो क्या करता है, किसी भी मेजर रिलीजन के प्रैक्टिस को रिफ्यूज करता है। मतलब प्रैक्टिस यहाँ पे प्रैक्टिस मतलब कि आप जो डेली रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं उसकी बात कही जा रही है, जो कि रिलीजन से रिलेटेड प्रैक्टिस होता है। ठीक है, उसकी बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रेंजी। फ्रेंजी क्या है, तो नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में, और इसका मीनिंग होता है हिंदी में सनक। ठीक है, अब देखते हैं सनक या सनकी जिसे कहते हैं उसको इंग्लिश में फ्रेंजी कहते हैं। ठीक है, अब मीनिंग इसका हो जाएगा इंग्लिश में, अ स्टेट और पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट और वाइल्ड बिहेवियर। तो एक ऐसा पीरियड जिसमें कि ऐसा किसी भी पर्सन को कंट्रोल ना हो और किसी एक अलग तरह का एक्साइटमेंट हो एक वाइल्ड बिहेवियर के साथ, तो उसे क्या करेंगे, उसे कहेंगे फ्रिंजी। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे तो हिस्टेरिया, मैनिया, डेलिरियम और एजिटेशन। एजिटेशन, ओके, तो इस ये सिनोनिम्स हो गए। अब एंटोनिम्स हो जाएंगे प्लेसिडिटी, क्वाट्यूट, रिपोज और रेस्टफुलनेस। ओके, रेस्टफुल, तो ये आपके एंटोनिम्स हो गए। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल दिया हुआ, द चाइल्ड हैज सच अ बैड टेम्पर, जो बच्चा है उसको किस तरह का टेम्पर है, बैड टेम्पर है, और क्या है कि दैट ही वुड ऑफन गो इनटू अ फ्रिंजी, तो उसके कारण वो क्या करता है, उन्माद हो जाता है, सनकी हो जाता है, व्हेन ही डिड नॉट गेट हिज वे, जब उसको उसकी तरह से जो चीजें हैं वो नहीं मिलती है, तो वो क्या हो जाता है, सनकी बन जाता है, फ्रिंजी बन जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्पाइक। स्पाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, और इसका मतलब होता है सक्रिय करना, मतलब कि कोई भी चीज निष्क्रिय हो, जो पावर में नहीं हो उसको पावर में लाना। ठीक है, अब देखिए एक तरह से कहीं ना कहीं से स्पाइक जो है रिससिटेट का भी सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि सक्रिय करना, अब जो चीज निष्क्रिय है, ठीक है, जो अभी जीवित नहीं है, उसे हम लोग क्या करते हैं, सक्रिय करते हैं। तो स्पाइक का भी और रिससिटेट का भी मीनिंग थोड़ा थोड़ा सा मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मीनिंग क्या आ जाएगा, तो टू गिव लाइफ, विगर और स्पिरिट टू। ठीक है, तो अब देखिए इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एनिमेट, ब्रेस, एनर्जाइज, इनवेगोरेट। ठीक है, और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डेडन, डल, डेलिबरेट और इनफिबल। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल है ही स्पाइक्ड व्हाट अदरवाइज वुड हैव बीन अ ड्राई इकोनॉमिक लेक्चर विथ सम जोक्स एंड एंसिडेंट्स। ही स्पाइक्ड मतलब वो क्या किया, वो सक्रिय हो गया किस चीज को लिए, कि अगर वो जो चीजें या अगर जोक के साथ लेक्चर नहीं देगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो कोई लोग वहां पे सुनना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग आ जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं और किसी भी ग्रुप में शेयर कर दें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।